वो सिफाक बाप जिसने अपने बेटे को अपने ही हाथों मौत के घाट उतारा, किस तरह से और आखिर क्यों, मकासिद क्या थे, क्या ये उस बच्चे का सगा बाप है, इससे जानते हैं। पूरा नाम क्या है? नाम मोहम्मद इमरान है जी। मोहम्मद इमरान। इमरान ऊंची बोलना है, जिस तरह का ऊंचा है ना, जैसे कारनामे ऊंचे हैं ऐसे आवाज भी ऊंची निकालनी है। मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान। इमरान उम्र कितनी है? 40 साल। 40 साल लगती नहीं है? 40 साल ज्यादा लगती है। नहीं, कब पैदा हुए थे? याद है साल? 1984 पैदाइश है जी। आवाज नहीं आ रही। 1984 पैदाइश। 1984 की है जी। बच्चे कितने? 3 जी। 3 बच्चे हैं। कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं? 2 काकियां, 1 काका जी। 2 बेटियां और 1 बेटा जी। कितनी उम्र है? 40 साल जी। बच्चियों की उम्रें कितनी है? बड़ी बच्ची 13 साल थी और काका जेड़ा 9 साल था जी। 9 साल का बेटा जी। क्या नाम है? मोहम्मद हसीब। इनकी वालिदा कहाँ है? इनके वालिद वफात पा गई है। क्या हुआ था? उनको कैंसर हुई थी। कितना अरसा हुआ वफात पाए हुए? 3-4 साल जी। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से बच्चों की देखभाल कौन करता था? कभी मैं करता, कभी नानका करते थे। ठीक हो गया। बच्चों की माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, उसको कैंसर की बीमारी लाहक हो गई, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं? नहीं, नहीं। कोई बीवी से प्यार था कि नहीं था, कि जान छुड़ाई है? नहीं था। था? था। अच्छा, बीवी के बाद बच्चों की देखभाल तुमने की? मैंने की। प्यारे लगते थे बच्चे या नहीं? लगते थे। बोझ लगते थे? बहुत लगते थे। बोझ लगते थे? या। बोझ लगते थे। ऊंची बोलना है, ऊंची। बच्चे बोझ लगते थे। बेटियां बोझ लगती थी या बेटा? तीनों है जी। तीनों बोझ लगते थे। कब से? शुरू से अच्छे लगते हैं जी। शुरू से अच्छे लगते हैं जी बच्चे। बच्चे शुरू से अच्छे लगते हैं। हसीब भी अच्छा लगता था। ये भी अच्छा लगता। ये बच्चियां किधर है तुम्हारी? दो नानकियां के पास। क्यों? वो रखते हैं जी बच्चा, कभी मैं देख के आ जाने हैं जी बच्चा मुड़ मरा। मैंने सवाल किया कि बेटियां ननियाल के पास क्यों? उन्होंने रखा था कि बच्चियां सतेने से देंदे जी। बच्चियां ठीक है ना, सतेने से देंदे जी। उन्होंने कहा था या तुम बच्चियां छोड़ कर आई? नहीं, उन्होंने कहा था। आप बच्चियां छोड़ कर आई? हां नहीं, ले गए आंटी मेरे को जी। ले गए? क्यों? आप पे तबार नहीं था उनको? नहीं, मैं रख दूं जो ना घर कल्ला घर है, तुम कल्ला ना रखा। अच्छा जी। फिर काका ही ले गए। काका फिर मैंने आंट दिया उन्होंने जी, फिर ले गए मोड़। सके बाप हो जी? हां जी। सके बाप हो ना जी? हां। बाप तो अपनी औलाद कभी नहीं देता। नहीं जी। गैरतमंद हो तो, खानदानी बंदा हो, हलाल का आदमी हो, तो वो अपनी औलाद कभी किसी को नहीं देता, चाहे वो ननिहाल है या वो ददियाल है। yeah. आपकी बीवी फौत हुई yeah. आपने अपनी बच्चियां ननिहाल को दे दी, यानी अपने ससुराल को दे ससुराल दी को देते। बच्चे को आप संभालते रहे yeah. कितना अच्छा? 2 साल जी। 2 साल yeah, कदी उधर आंदे कदी मेरे। क्या मसला था बच्चे के साथ? बच्चा मजदूर आई जी। क्या मजदूरी थी? कोई जी समझ नहीं, काम करता जी, टांगे नहीं काम करती, टांगे नहीं काम, हाथ ही नहीं काम करते, गर्दन कभी आइन हो जाती कभी आइन हो जाती है जी। पहचानता था अपने बाप को? पहचानता है। पता था उसको कि ये बाप है, ये माँ है, ये घर है मेरा? इतना पता लग जाए लेवेड़ उसको पता चलता था? मुस्कुराहट लाया हमदे मुंह ते जी। हां ये लेवेड़ जाता है मुंह ते मुस्कुराहट लाया हमदे जी। मुस्कुराहट लाता है अपने किसी को देख के? या बोल नहीं सकता था? नहीं बोल, कोई नहीं। तो खाने पीने का हिसाब किताब क्या होता था? दूध। सिर्फ दूध? सिर्फ दूध। मांगता था या खुद ही देते? खुद टाइम पे दे देते ऐसे जी। मांग नहीं सकता था? नहीं मांग पाए। अस्तगफिरुल्लाह। क्या किया बच्चे के साथ? बात गलती हो गई है जी। नहीं, मैंने गलती नहीं पूछी, मैंने पूछा क्या किया। गर्दन दबाई थी। गर्दन दबाई है? क्यों? बस मेरे को और हो ना ही ना सकते, काम धंधा ही ना कर सकता, क्योंकि कल्ला बच्चा रह गया, घर छोड़ जावा तो कहां से चूंढ दे जी। घर पे छोड़ जाओ तो कब्बे पड़ जाते थे, काटते थे, नोचते थे जी। हां कभी देखा तुमने? या देखा है काफी। अरे मर दुकान पे ला जाना मुड़, फिर वो जाहिर रोता होगा। हां जी। फिर मैं नानका क्या पे मैं शादी करन दे भाई, कोनी दूसरी शादी। फिर भाई ना वो दी मां दूसरी संभाल लेगी, चलो मैं गप काम धंधे जावांगा, फिर वो घर पे ध्यान रखे ना, कहना ये नहीं काम करन देना है तन्नू, पर निमण नहीं देना। ननियाल कहता है जी? हां। ससुर कहता है तुम्हारा जी? हां। फिर बाद में बदर है मतलब सर बड़ा जी, बच्चे की वजह तो शादी ना हो सकी जी। ससुराल ने कहा कि तुमने दूसरी शादी नहीं करनी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर बच्चा मेरे को रे मैं तांगा का बच्चे गर्दन दबा दी जी। कहाँ ले जाके?
दरिया दे मान तुरे थोड़ा घर में दुबई थी नहीं या उधर जाके उधर जाके लेकर कैसे गए मोटरसाइकिल टैंकी लम्मा पाया जाता जी टैंकी पे लेट जाता था लेट बैठ नहीं सकता था नहीं उसको लेटा दिया टैंकी पे हाँ जी क्या कहा कि कहाँ जा रहा हूँ बस मैं समझ नहीं आ रही मुझे उससे जाके गर्दन दबा के आ गया जैसे वो औरत किधर है जो तुम्हारे साथ बराबर शरीक थी इस काम में जेल में जी वो उस टाइम कहाँ पर थी उस टाइम घर अपने जी साथ लेकर गए थे बाइक पे उसको पीछे बिठा के नहीं कल्ले सच बता दो कल्ले जी साफ बात बताओ साफ बात कल्ले ले गया हम अकेला लेकर गए उसको बता कर गए थे नहीं बात एक पर दस आई फोन था जी उसको सारा कुछ पता था कुछ पता था कुछ कोई नहीं पता पता था क्या नाम है उसका नसरीन बच्चे की जिंदगी में नसरीन से निकाह किया था नहीं समझ लिया जी नहीं समझना मैंने कुछ नहीं है जो किया है वो बताओ यस मंदा जी जिया जी क्या जिया ओदी सबब भी बनया जी बच्चे का मसला जी जी ओदा सबब भी बनया बच्चे का मसला मैंने सबब भी नहीं पूछा और मैंने समझना भी कुछ नहीं है मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारा निकाह हुआ है उस टाइम ये बच्चा दुनिया पर था या नहीं 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 था बच्चे को तुमने पहले मारा और शादी दूसरी बाद में की अभी तुमने कहा कि शादी का मकसद ये था कि दूसरी माँ इस बच्चे को संभाले जब बच्चा ही दुनिया पे ना रहा तो फिर शादी का मकसद बस दूसरी शादी कर भाई बच्चा ही मार बैठा जी नहीं बच्चा मारने की शर्त रखी गई थी नहीं शर्त तो कोई हाँ शर्त रखी थी शर्त रखी थी सच बोलो बच्चा नानका या देवन शादी तो बाद भाई कौन कहता है घर दे मेरे दूसरी बीवी जी दूसरी बीवी कहती है क्या नाम है इसका नसरीन नसरीन ऊंची बोलो नसरीन कहती है इस बच्चे को पहले ससुराल देकर आओ फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगी फिर उन्होंने ना रखा तुम्हारा दबा दिया गज फिर तुमने बच्चे को साइड पे किया और तुमने कहा कि मैं अपनी अयाशी पूरी करूं शादी करूं बच्चा मरता है तो मरे निकाह होना चाहिए ऐसे ही है बच्चे को बलि चढ़ाया अपनी दूसरी शादी के लिए हाँ हक तो ये था कि हक हलाल की कमाते और तीन बच्चों को पालते तो जो कि तुम्हारी जिम्मेदारी है तुमने पैदा की है अल्लाह के कानून के मुताबिक दुनिया के कानून के मुताबिक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी है तुमने कहा बच्चे साइड पे करो बेटियां उधर फेंको बेटा अल्लाह के पास और अपनी शादी करो ये काम किया है हाँ ये काम जब साथ लेकर गए हो बच्चे को मारने के लिए दरिया के पास बच्चा मुस्कुराया था कि मैं अपने बाप की बाजुओं में हूँ महफूज हूँ मैं बीमार से मुंह फूला हुआ था क्योंकि तुमने इलाज ही नहीं कराया होगा इलाज करेंदा रहे हैं जी अच्छा फीडर कौन लेकर गया था साथ फीडर कौन लेकर गया था मैं ही ले गया साथ फीडर लेकर गए थे बनाकर जी वो क्यों लेकर गए मैं रास्ते में दूध दूंगा रास्ते में दूध पिलाऊंगा और फिर ले जाके मार दूंगा तुम इंसान हो तुम दवाइयां भी लेकर गए थे जी दवाइयां ले गए दवाइयां क्यों लेकर गए मैं कहा ठीक हो जाती जी ठीक हो जाएगा साथ तुम गला दुबा रहे हो उसका साथ तुम कह रहे हो दवाइयां दी हैं उसको मैंने दवाइयां क्यों लेकर गए हो दवाइयां दो दिन पहले लगी थी बुखार दो दिन पहले नहीं थी जब लेकर गए हो उसको मारने के लिए फिर साथ लेकर गए हो ना फिर क्यों लेकर गए हो किस सोच से लेकर गए हो दवाइयां शापर जी लगी गई ऊंची बोलो दवाइयां शापर जी से शापर में थी जहाँ पर बच्चे को मार के फेंके वहाँ उसका फीडर और वहाँ उसकी दवाइयां फेंक दी नहीं थोड़ी अग्गे दवाइयां फेंक दी थोड़ी अग्गे फेंकिया सी कोल नहीं सी फेंकिया सुट के आ गए हाँ क्या पूछ रही हूँ मैं मार को तो बन्ने दरख्ते आ गया थी फिर उसके बाद तुम कहाँ आए हो घर आ गए हो लोगों ने पूछा नहीं बेटा किधर है नहीं क्यों नहीं दूसरे दिन पूछा फिर क्या बोला मैं लाहौर यतीम खाने दे आया जी लाहौर यतीम खाने देकर आया हूँ कितनी देर छुपाते रहे हो तीन चार महीने जी चार महीने पुलिस ने फिर कहाँ से पकड़ा है तुम्हें काला बाली से पुलिस को क्या कहा यतीम खाने में दिया है यतीम खाने में दिया आया हूँ फिर आके शादी कितने अरसे के बाद की शादी दो महीना डेढ़ पहले जी बच्चे की मौत के महीने बाद नहीं हाँ तीन चार महीने बाद तीन चार महीने बाद जी वो निकाह किया था कि नहीं निकाह किया था
निकाह करते हुए बच्चे की शक्ल नहीं आई तुम्हारी आंखों के सामने कि मैंने इस निकाह के लिए कौन सी कीमत झुकाई है? आई थी, आई थी। फिर दिल औरत से नफरत नहीं हुई जिसने ये तुम्हारे आगे शर्त रखी कि इस बच्चे को साइड पे करो फिर तुम्हारे निकाह में आऊंगी? नफरत नहीं हुई? बस गलती हो गई, नफरत आई थी। आई थी या ताल्लुकात थे पहले से? आई थी, जल बच्चा मार के मांगो शादी ना करा था। फिर इस औरत से ताल्लुकात भी थे तुम्हारे नाजायज निकाह से पहले? जी है थे। कितने अरसे से? साल डेढ़ पहले। साल डेढ़ साल पहले ताल्लुकात बना लिए? हाँ जी। इस बच्चे के सामने आती जाती थी घर पे तुम्हारे? उसले बच्चा है आंद जानती है जी। खर्चा देते थे? क्या देते थे? पैसे को कितने? 500,000 जी। रोजाना? नहीं जी। हाँ महीने का आता। महीने का 500,000 देते थे और ताल्लुकात बना लिए? हाँ जी। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ, क्या होना चाहिए? अगर तुम आज सलामत खड़े हो तो ये अल्लाह ने तुम्हें सलाहियत दी है, अगर वो माजूर था तो वो भी अल्लाह ने बनाया था। तुम्हारा क्या इलाज होना चाहिए? हमारा इलाज फांसी जी। हाँ फांसी जी। फांसी होनी चाहिए जी। उस टाइम नहीं शर्म आई? बस उस टाइम शर्म नहीं आई? कहाँ गई मोहब्बत की शादियाँ, कहाँ गई दूसरी शादियाँ? अपने बेटे को मार दिया, वो बच्चा जो बोल ही नहीं सकता, जो बता ही कुछ नहीं सकता, क्या इलाज होना चाहिए तुम्हारा? तुमने तो दुनिया के जितने बाप हैं उनका सर शर्म से झुका दिया है कि सका बाप ऐसे कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे क्या सवाल करूं, तुम बाप हो? बाप कहलाने के लायक हो तुम? नहीं। क्या नहीं? क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? फांसी होनी चाहिए मैं। तो फिर शादी जो की है वो उसको भी मारना चाहिए? बहुत अच्छा कानून है तुम्हारा। डीपीओ साहब इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। एक ऐसा करैक्टर जिसने इस शख्स को ट्रेस करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, हसनैन साहब हैं बावर्दी, उनसे बात करते हैं।